आज इस वीडियो में मैं बहुत जरूरी चीज बताने वाला हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको फीडबैक कैसे लाया आपने, हर एक प्रोडक्ट पे लिस्टिंग पे फीडबैक कैसे लाया। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा जहाँ तक मैंने बनाया है, और मेक श्योर नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। इस वीडियो में ये अगर फीडबैक आपने देख लिया ना, तो प्रोडक्ट की रैंकिंग जबरदस्त ऊपर आ जाएगी। तो समझ में आई नहीं होगी तो ये वीडियो देख लेना, पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो धीरे धीरे मैंने बनाया, वीडियो बिल्कुल तेज नहीं है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कैसे आपको फीडबैक ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए और क्यों फीडबैक आपके प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे देखते हो, आप कुछ भी आप देखते हो, वॉलेट्स देखते हो अमेजोन पे, सबसे पहले आप कहाँ जाते हो? आप सबसे पहले लिंक पेज पे नीचे जाके आप सबसे पहले उसका चेक करते हो कि फीडबैक कितने लोग ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, कितने लोग ने निगेटिव दिया, तो आप उससे अपना माइंड मेकअप बनाते हो। तो ऐसे आप करके आप आगे बढ़ते हो, प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो। आप देखो जैसे आप यहाँ पे अमेजोन चॉइस का दिखा रहा है, आप मान लो हानबुल का वॉलेट, ठीक है। अब आपको कैसे आप पता चलेगा कि ये आप ले रहे हो ये प्रोडक्ट क्यों होता है? एक तो आप टायर ब्रांड का आप देख लेते हो, तो ब्रांड है तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज क्या है, आप देखते हो फीडबैक, तो यहाँ पे ये फीडबैक का कितना असर पड़ता है, आप कस्टमर कितने पॉजिटिव फीडबैक दिया है कितने लोगों ने, तो आपका प्रोडक्ट पर कितना असर आएगा, आप प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हो। तो फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है आपके प्रोडक्ट के लिए। अब देखो यहाँ कितने सारे लोगों ने हानबुल का जो वॉलेट लिया, आप लोगों ने कितने से प्राइस, ये देखिए आप वेरीफाइड परचेज है, सब गुड क्वालिटी, जो कर अमेजोन के वेरीफाइड कस्टमर है वे सब ने दिया है। स्ट्रेचिंग कुछ कुछ निगेटिव फीडबैक आएंगे, बट आपको पॉजिटिव फीडबैक के लिए ही फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक ला सको। और वो आप कैसे लाओगे, जो एक तरीका ये है, मोर एंड मोर फीडबैक। सबसे अच्छा तरीका ये ज्यादा से ज्यादा फीडबैक लाने का कि आप कस्टमर को, अगर आप अमेजोन के टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आप रहोगे तो कस्टमर को कॉल अपने एंड से नहीं कर सकते हो। तो आप अमेजोन में कई अमेजोन के प्रोमोटेड हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे अमेजोन सेलर एक्टिविटीज एंड एक्शन, दिस प्रोहिबिटेड सेलर एक्टिविटीज एंड एक्शन आर स्टेबलाइज्ड टू मेंटेन अ सेलिंग प्रोग्राम दैट इज सेफ फॉर बायर्स एंड फेयर फॉर सेलर ऑफ बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जनरल गाइडलाइंस आप नीचे पूरी पढ़ सकते हो यहाँ पे जाके, सेलर सेंटर पे जाके। तो आप कुछ चीजें आपको अपने रिमेनिंग दायरे में रह के करनी है, आप उससे ज्यादा बाहर मत जाइएगा। देखो एक तो है कस्टमर मोर एंड मोर फीडबैक फॉर कस्टमर। देखो एक तरीका क्या, आप कस्टमर को ईमेल कर सकते हो। सबसे बढ़िया ईमेल का तरीका क्या है, जैसे कुछ कुछ कस्टमर जब ऑर्डर देते हैं आपको, तो इनवॉइस पे आपकी उनकी ईमेल आईडी, तो ईमेल का डेटा मेक श्योर कि आप अपने पास रखते हैं कस्टमर ईमेल, ठीक है। दूसरी चीज आप उनको दे सकते हैं, आप कुछ उसमें जैसे आपका कोई प्रोडक्ट आप पैक करते हो, या कोई प्रोडक्ट आप अगर FBA कर रहे हो तो आपका बात अलग है, आप लेकिन अगर आप विदाउट FBA प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो आप एक काम ये कर सकते हो, आप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ कुछ और प्रोडक्ट भी दे सकते हो, कुछ और छोटे से आइटम दे सकते हो। जैसे आप कोई वॉलेट सेल कर रहे हो तो आप ATM कार्ड होल्डर दे सकते हो, आप छोटा सा कोई भी ट्रांसपेरेंट कोई भी ऐसा चीज दे सकते हो कि कस्टमर आपका खुश हो जाए, वो आपको अच्छा फीडबैक दें। एक तो ये होता है फ्री आइटम, ठीक है, एक ही आइटम। तो दूसरा चीज, तीसरी एक चीज इसमें ये फीडबैक के लिए कि आप कस्टमर को अगर चाहो तो, आपने कस्टमर को प्रोडक्ट दिया है, आप कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है आपसे, तो आप कस्टमर को एज अ कॉल भी कर सकते हो, बट कॉल रिमेनिंग ध्यान रखिएगा अमेजोन की सर्विस पढ़ लीजिएगा पहले कॉल करने से पहले, ये मैं आपको अपने एंड से रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप ये कॉल कर सकते हो फीडबैक के लिए, ठीक है। अब ये तीन चीजें कस्टमर ईमेल फ्री आइटम, आप एक और चीज कर सकते हो यहाँ पे, आप जो भी आपने प्रोडक्ट पैक करते हो आप प्रोडक्ट को, उसमें एक फीडबैक लेटर डाल सकते हो, वो मैं दिखाऊंगा फीडबैक लेटर कैसा होता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में फीडबैक लेटर, ताकि आप उसमें लिख सकते हो कि आपको हमारा प्रोडक्ट टाइमली मिला कि नहीं मिला, उसमें आप ये मेंशन कर सकते हो टाइमली आपको क्या थी आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, और भी बहुत कुछ आप फीडबैक लेटर में, उसमें फीडबैक स्लिप कह लो या आपको फीडबैक लेटर कह लो, आप उसमें अंदर आप पैकेट के अंदर उसको फिक्स करके डाल सकते हो या फिक्स कर सकते हो ऊपर, तो उससे आपका ये फायदा रहेगा, कस्टमर आपका जो भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खोल रहा है तो वो फीडबैक लेटर आप उसके साथ उसको दे रहे हो, तो मे भी अगर वो खुश होता है तो आपको फीडबैक अपना दे सकता है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, ये सब सारे तरीके से आप प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल्स रैंक बढ़ा सकते हो। ये देखिए कितने सारे प्रोडक्ट का फीडबैक और रैंकिंग देखिए प्रोडक्ट के, मैंने यहाँ पे सिर्फ वॉलेट टाइप किया था, देखिए हॉर्नबुल का वॉलेट कैसे रैंक कर रहा है, तो फीडबैक से आप समझ सकते हो आप कितनी सेल अपनी बढ़ा सकते हो। तो मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा फीडबैक लाइएगा, जितने ज्यादा फीडबैक ला सके उतना कस्टमर के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा।